ओ यार पैसे पैसे पैसे। अरे भाई वालेकुम सलाम यार, यार कुछ पैसों नहीं दे रहे थे। कितने पैसे चाहिए आपके? 5 लाख यार इतने पैसे है तो नहीं मेरे पास, लेकिन मेरे भाई की फीस है वो मैंने जमा करवानी है 20 तारीख तक। कोई नहीं, मैं आपको 15 लाख दे दूँ। ये लो भाई, ठीक है, कोई नहीं, आपको 15 तक मिल जाएंगे। ठीक है। ओके सर। वो आ रहा है, पैसों का पूछ लेते हैं। हाँ चलो पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यार, भाई वादा था आपसे एक 15 तारीख का। यार, बहुत बड़ा मसला बन गया यार आजकल। कोई नहीं यार, 20 दिन तक है टाइम, लेकिन मैं आपको कॉल इंशाल्लाह कर रहा हूँ। चलो ठीक है। भैया 18 तारीख तो हो गया, उसे पैसों का तो पूछो। चलो मैं कॉल करता हूँ उसे यार। यार वो कॉल उठा नहीं रहा। चलो उसकी तलाश के लिए चलते हैं। चलो ठीक है। हो रहा। जे भाई, वालेकुम सलाम। यार भाई मर्जी है आपकी, वादा था आपका। यार वो दरअसल मोबाइल मैंने बेचने के लिए दिया हुआ है, अभी तक पैसे नहीं मिले। जब मिलेंगे ना, मैं कोई नहीं आपको पहुंचा दूंगा। यार तारीख गुजर रही है यार। यार अब मेरा भी मुश्किल है। कोई नहीं, मैं दे दूंगा आपको। यार तेनू पता नहीं, फीस देनी तो फिर उन्हें पैसे देते हैं, यार मैंने क्यों पता से उन्हें इदा करनी है। और ना पैसे मिले उन्हें नाम काट देना। और मैं की कहा सा नहीं दे रहा पैसे। यार अब क्या करे, अब क्या करना है? कुछ भी नहीं। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो आप? यार भाई मेरे भाई के पैसे थे फीस के, अच्छा तो मेरे दोस्त को उधार चाहिए थे, मैंने उसे दे दिए। अच्छा तो आप वो चक्कर दी जा रहा है, तो लास्ट डेट है तो फीस की। अच्छा ये मसला है, ये मसला है। चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको लेकर देता हूँ उससे पैसे। चलो ठीक है आओ। यार भाई वो रहा। ओए भाई बात सुनो। सामने भाई, आपने इनसे कर्जा लिया था और इनको वादा किया था कि 20 तारीख को लुटाऊंगा, और आपने लुटाया नहीं। लगता है आपने कुरान की आयत नहीं सुनी। और जब तुम वादा करो तो उसको पूरा, तो आपने वादा किया और पूरा नहीं किया। आपको इन्होंने जो कर्जा दिया बगैर सूद के दिया था ना, ठीक है, तो अगर आप इनको लुटा देते ये खुश होते, और ये कर्ज़ हसना का जो सिलसिला था ये जारी रहता। अब देखें, इनसे कोई भी मांगने आएगा ये नहीं देंगे, और जब नहीं देंगे तो लोग बैंकों की तरफ जाएंगे, सूद पर कर्जा लेंगे और गुनाह की तरफ जाएंगे। तो उसका सबब कौन बन रहे हैं? आप बन रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप इनका जो कर्ज़ा है जितनी जल्दी हो सके अदा करें, ताकि ये कर्ज़ हसना का जो सिलसिला है ये जारी रहे। पैसे तो थे मेरे पास, लेकिन बस मेरा इरादा नहीं था, मुझे भी थोड़ी जरूरत थी। तो चलो आप इससे तौबा करें, ठीक है, और आइंदा ख्याल किया करें। शुक्रिया भाई। शुक्रिया भाई।